वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग पति के मन में अगर गिरफ्तारी को लेकर अगर कोई डर है तो उसको मैं दूर करने वाला हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक मामला ऐसा था जिसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जो बेल लेता है, जमानत लेता है हाई कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट के द्वारा उसको जमानत मिल जाती है, बेल मिल जाती है। और उस ऑर्डर के अंदर ये बोला जाता है कि पुलिस जब आपके केस की चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश करेगी तो आपको दोबारा से गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति के मन में एक डर हो जाता है कि यहाँ पे मुझे जमानत तो मिल गई है, पर ये जमानत कैसी जो मुझे फिर से गिरफ्तार होना पड़ेगा। तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, उस हाई कोर्ट के जजमेंट यानी ऑर्डर को ले जाके और जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखता है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को देखते हुए ये ऑर्डर दिया जाता है कि एक बार अगर किसी को जमानत मिल गई है तो उसको बार बार जमानत लेने की आवश्यकता इस तरीके से नहीं पड़ेगी। उसी मामले के अंदर अगर यहाँ पे इसको पहले जमानत मिल गई है तो पुलिस जब चार्जशीट पेश कर रही है तो इसको गिरफ्तार दोबारा नहीं किया जा सकता है, जो पहले वाली जमानत है वही कायम रहेगी। तो यहाँ पे ऐसा ही मामला अगर पति के साथ में होता है, पति के ऊपर देखो 498, 406 ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें पति क्या करता है कि जमानत ले लेता है। अब उसके मन में ये डर होता है कि पुलिस चार्जशीट पेश करेगी तो मुझे जमानत लेनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे फिर से गिरफ्तार होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, इस जजमेंट की आप सहायता ले सकते हैं, आपको दोबारा जमानत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जजमेंट है कमलेश चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अपने केस से मिलता है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।